स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोविजनल फाइनल आंसर की NTA UGC नेट ने रिलीज कर दी है। इसमें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बोल रहे थे कि सर हमारी मदद कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि मैं तो क्या, अगर आप लोग खुद से अपने लिए सीरियसली वॉइस रेज नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे NTA UGC नेट के सामने, तो फिर आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है, ये बात माननी चाहिए। जितना मेरे से हो सकता है स्टूडेंट्स, मैंने ईमेल भी किया है और मैंने ट्वीट भी किया है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जितना पार्टिसिपेशन मुझे मिलना चाहिए था ट्वीट पे, उतना पार्टिसिपेशन मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। और ईमेल कीजिए आप लोग खुद से भी, NTA UGC नेट की वेबसाइट पर ही उनके ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, उन पर उस ईमेल कीजिए, उनको बताइए कि 5020 और 5024 दोनों ही जो क्वेश्चन है उसमें उनका ट्रांसलेशन गलत है, इसलिए वो रिकंसीडर करें, फिर से सोचें, ठीक है, फाइनल प्रोविजनल आंसर की के बारे में, और उन दोनों क्वेश्चंस को या तो हटा दें, क्योंकि हटाना ही सही है, क्योंकि उसमें कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठे या कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है अगर उसको नहीं हटाते हैं तो, ठीक है। तो जितने भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप आगे तो देंगे ही, तो ये प्रॉब्लम आगे आपको भी हो सकती है, ना हो इसके लिए आप भी ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उस ट्वीट को अपने स्टूडेंट्स के साथ, और बताइए कि यार आवाज़ उठाओ, ईमेल करने के लिए प्रेरित कीजिए दूसरों को, और इस वीडियो को शेयर करो अपने स्टूडेंट्स में, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह की चीज़ हुई है और लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।